नमस्कार, क्या जूनियर सिंधिया को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है? केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इसमें उनके साथ उनकी मां माधवी राजे, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे, बेटा महान आर्यमन राजे सिंधिया शामिल। अपने बेटे आर्यमन को पॉलिटिक्स में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, शायद इसीलिए उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि बेटी अनन्या राजे सिंधिया नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि अनन्या राजे सिंधिया का रिश्ता जयपुर के राजघराने में तय हो गया है और जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है। सोशल मीडिया पर आर्यमन सिंधिया को लेकर अटकलें गर्म है। यह कहा जा रहा है कि आर्यमन भी जल्दी ही राजनीति में कदम रखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आर्यमन सिंधिया जिस तरह से अपने पिता के लिए सक्रिय थे, इससे लगता है कि वे भी राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं। वे अपने पिता के लिए आम सभाओं में जाते रहे हैं। गुना की आम सभा में एक बार वे तब गए थे जब वो केवल 15 साल के थे। अगर आर्यमन राजनीति में आते हैं तो सिंधिया घराने की ये पांचवी पीढ़ी होगी जो देश की चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने वाली है। उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य केंद्रीय मंत्री है ही। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी केंद्र में मंत्री थे और उनकी माधवराव सिंधिया की मां विजया राजे सिंधिया भी राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। प्रधानमंत्री ये बात और है कि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि वे राजनीति में विरासत को तवज्जो नहीं देते और राजनीति में विरासत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे योग्य लोगों का हक मारा जाता है। 2 साल पहले ही मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वे अपने 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए, जिसके कारण बीजेपी की सरकार बन गई और कमलनाथ की सरकार गिर गई। ये और न ही मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के राजनीति में आने का उद्देश्य फायदा कमाना रहा। आर्यमन ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े हैं और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने दून स्कूल में की थी। दून स्कूल में ही माधवराव सिंधिया की पढ़ाई भी हुई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पढ़ाई भी हुई थी। ये कहा जा रहा है कि महाआर्यमन को उनकी मां प्रियदर्शनी राजे पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग दे रही हैं। अभी आर्यमन राजे 27 साल के हैं और उनकी छोटी बहन उनसे करीब 7 साल छोटी है। जाहिर है वे सक्रिय होने के बाद पहली बार उस उम्र में आए हैं जबकि वे चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं। 25 साल से बड़ा व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, तो उन्होंने 25 साल की उम्र को पार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आर्यमन इससे वास्तव में राजनीति में आने का मंच पर समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल मुद्दों पर वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, महाआर्यमन ये बात बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है और उनके हर फैसले का वे समर्थन करते हैं। वे जो भी फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं और जो फैसला उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने का लिया था, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत वाला व्यक्ति ही ले सकता है। मेरा परिवार में कोई भी कभी भी सत्ता का भूखा नहीं है, ये महाआर्यमन का कहना। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर ये पोस्ट डाली है, तब से बहुत सारे मीम्स बनने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि महाराज वाकई अपने बेटे के पुनर्वास के लिए, बेटे के रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बात कितनी सच है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। धन्यवाद।